आज का हमारा टॉपिक है, अपना टॉपिक हम लोग करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ केक्स पेस्ट्रीज। तो शुरू करेंगे आज हम पहला केक के बारे में, क्योंकि दो दिन दो टॉपिक्स में ये मेरे ख्याल से हमारा कंप्लीट होगा। तो केक्स सभी ने खाए हैं, सभी को पता है, सभी को अच्छे लगते हैं केक्स के अंदर। तो केक्स बेसिकली एक बेकरी प्रोडक्ट है जो काफ़ी यूज़ होता है मार्केट में, आप लोगों ने देखा भी है, ऑलमोस्ट सभी लोगों ने खाया भी है। और इसकी एक अच्छी खासियत यह है कि ये दिखता कुछ कुछ ब्रेड की तरह है इसका, लेकिन इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं या इसके अंदर हम कह सकते हैं कि इसका जो थोड़ा सा बनाने का तरीका है वो एज लाइक बिस्किट की तरह का होता है। कैसे, जैसे अगर आप केक देखते हैं तो सभी को ऐसा लगता है कि वो केमिकली सॉरी यीस्ट लीवेंड प्रोडक्ट है जिसके अंदर खमीर यूज़ किया जा रहा है, जबकि ऐसा होता नहीं है। केक्स के अंदर हम लोग केमिकली लीवनिंग एजेंट्स यूज़ करते हैं, जैसे बिस्किट्स के अंदर हम लोग कर रहे थे, लेकिन इसका जो टेक्सचर है या स्ट्रक्चर है कुछ कुछ क्या वो ऐसा लगता है देख के कि ये ब्रेड है। ठीक है, तो केक्स अलग अलग तरह के होते हैं कंट्रीज़ के हिसाब से, सिटीज़ के हिसाब से, लोगों के हिसाब से, उनके जो दुनिया भर के फ्लेवर्स टेस्ट बनाने के कुछ एक तरीके भी काफ़ी डिफरेंट तरीके हैं, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे वो केक्स के अंदर द बेसिक इन्ग्रीडियंट्स अगर हम बात करें केक्स की, तो दो कैटेगरीज के अंदर इसको डिवाइड किया जाता है। एक जो स्ट्रक्चर देता है जैसे केक फ्लोर है, एग्स हैं, मिल्क है, और केक को शुगर जैसे है, और वन दैट मेक टेंडर सॉफ्टनेस जो देता है वो है शुगर, शॉर्टनिंग्स, बेकिंग पाउडर। और क्वालिटी ऑफ केक डिपेंड्स अपॉन थ्री फैक्टर्स, तीन फैक्टर्स पे वो डिपेंड करती है केक की क्वालिटी। क्वालिटी टाइप ऑफ इंग्रेडिएंट्स हम कौन से यूज़ कर रहे हैं, सेकेंड है फार्मूला एंड बैलेंस ऑफ इंग्रेडिएंट्स, और तीसरा है कंडीशन ऑफ मिक्सिंग एंड बेकिंग। तो तीन फैक्टर्स हैं जिन फैक्टर्स पे ये हमारा जो केक है उसकी क्वालिटी है वो अफेक्ट करती है। फार्मूला बैलेंस डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ केक मैन्युफैक्चरिंग है, ईच इंग्रेडिएंट्स यूज्ड इन डिफरेंट टाइप ऑफ केक कंट्रीब्यूट ऑन द क्वालिटी। मतलब हर जो इंग्रेडिएंट है, किसी में शुगर थोड़ी ज़्यादा है, किसी में कम है, किसी में योग पूरा एग यूज़ करते हैं, किसी के अंदर सिर्फ एग योक यूज़ करते हैं, किसी के अंदर सिर्फ एग एल्बुमिन यूज़ करते हैं। तो अलग अलग तरह के इंग्रेडिएंट्स हैं, उनकी क्वांटिटी के हिसाब से केक्स हैं, उनके टेक्सचर में फ्लेवर में थोड़ा फ़र्क आ जाता है, और उसी के हिसाब से उनके नाम दिए गए हैं। इंग्रेडिएंट्स अगर हम बात करें स्ट्रक्चर बिल्डिंग इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो फ्लोर, एग्स, मिल्क पाउडर, सॉफ्टनेस एंड टेंडराइजर की बात करें, शुगर, फैट एंड बेकिंग पाउडर। अगर मॉइस्चनर्स की बात करें जो मॉइस्चनेस लेके रखते हैं वो है मिल्क, वाटर एंड एग। केक्स की जो रेट है, प्राइस है, उसकी क्वालिटी है वो डिपेंड करती है कि आप इंग्रेडिएंट्स कौन से और किस क्वालिटी के यूज़ कर रहे हो। ठीक है, केक्स के अंदर तीन कैटेगरीज की आती हैं, शॉर्टनड केक्स जहाँ पर हाई फैट यूज़ किया जाता है, तो स्ट्रक्चर डिपेंड अपॉन फैट लिक्विड इमल्शन क्रिएटेड ड्यूरिंग बैटर मिक्सिंग। और जो केक के डो को बैटर बोलते हैं, बैटर टाइप ऑफ जहाँ पर हाई शुगर एंड हाई फैट यूज़ करा जाता है उस डो को, उस मिक्स को बैटर बोला जाता है। बैटर टाइप, पाउंड टाइप, फ्रूट केक टाइप, ये सारे शॉर्टनड केक्स के अंदर आते हैं। और दिस टाइप ऑफ केक्स आर करेक्टराइज बाई हाई लेवल ऑफ शुगर इन द फार्मूला, ज़्यादा शुगर यूज़ की जाती है और ज़्यादा फैट यूज़ की जाती है। अनशॉर्टनड केक की बात करें तो यहाँ पर हम लोग शुगर बेसिकली फैट की अगर हम बात करें तो लो फैट यूज़ की जाती है एज़ कम्पेयर टू शॉर्टनड केक्स के। और इसके अंदर जो हमारे स्पॉन्जी क्रम टाइप ऑफ केक्स हैं, एंजल फूड केक हैं, इस तरह के फूड केक हैं वो शॉर्टनड केक्स के अंदर आते हैं। और तीसरे टाइप ऑफ है शिफॉन केक्स। तो केक्स इज मेड बाय द फॉर्मेशन ऑफ बैटर फ्रॉम सॉफ्ट एंड वीक फ्लोर को यूज़ किया जाता है हमारे बैट। और जो आपको बोला था मिक्सिंग के बाद जो हमारे पास मटीरियल आता है जिसको हम लोग बात कर रहे थे ब्रेड्स के अंदर, तो उसको डो बोलते थे, तो यहाँ पर हम बैटरी की वर्ड यूज़ करते BAT। केक्स आर रिलेटिवली हाई बोथ इन शुगर एंड शॉर्टनिंग। केक्स है वो कॉम्प्लेक्स इमल्शन है एंड फॉर्म सिस्टम है विद अप्रिशिएट अमाउंट ऑफ इनकॉर्पोरेट एयर एज वेल एज स्मॉल बबल इनटू द बैटर। मतलब क्या है कि यहाँ पर हम लोग जो
फॉर्म सिस्टम है। फॉर्म सिस्टम का मतलब है केक के अंदर मिक्सिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यहाँ पर एक केमिकल लिविंग एजेंट्स के साथ साथ हम लोग बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं कि एयर बबल्स हम लोगों ने कितने इनकॉर्पोरेट कराए हैं हमारे इसके अंदर, हमारे जो बैटर है उसके अंदर, ठीक है। और बेकिंग पाउडर यूज़ किया जाता है समटाइम, जो एग्स वगैरह हैं जैसे यूज़ की जाती है समटाइम्स बाय एयर इनकॉर्पोरेशन, ओकेशनल बाय यीस्ट। मेरे नॉलेज में मैंने बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ होते हुए देखा यीस्ट को। बेसिकली अगर प्रोडक्ट्स की बात करें, ये केमिकली लीवन है, बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, और एयर इनकॉर्पोरेट मैकेनिकली की जाती है, जैसे एग्स वगैरह है उसके अंदर एग को, योक को, सॉरी एल्ब्यूमिन को जो हम लोग कंटिन्यू बीट करते हैं तो उसके अंदर एयर है वो इनकॉर्पोरेट हो जाती है, एयर पैकेट्स बन जाते हैं जो फ्लफीनेस देने के लिए और सॉफ्टनेस देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इसके अलावा तो उसके बाद है इसके बाद है इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से यूज़ होते हैं। इंग्रेडिएंट्स वही हैं, फ्लोर है, शुगर है, शॉर्टनिंग्स है, एग्स है, मिल्क, वाटर, साल्ट, बेकिंग पाउडर, फ्लेवरिंग एजेंट्स, ये कुछ हमारे इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए जाते हैं। और हमें पता ही है कि फ्लोर का क्या बेसिक काम है, स्ट्रक्चर देता है, होल्स इंग्रेडिएंट्स को होल्ड करके रखता है। 7 to 9% प्रोटीन कंटेंट फ्लोर के अंदर होना चाहिए। और उसके बाद है फाइन ग्रेनुलर स्ट्रक्चर मेड फ्रॉम सॉफ्ट व्हीट इज आइडियली सूटेड फॉर केक मिक्सिंग। फाइन काफ़ी बारीक फाइन ग्रेनुलर्स का जो स्ट्रक्चर है, मतलब बारीक पिसा हुआ सॉफ्ट व्हीट है, वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है इसके लिए। केक फ्लोर्स आर ब्लीच टू ग्रेटर डिग्री इन ऑर्डर टू, मतलब ब्लीचिंग एजेंट्स डाले जाते हैं ताकि लाइट कलर हो जाए और ब्राइटन कलर आए इसके अंदर। ब्लीचिंग आल्सो मॉडिफाइज ग्लूटेन फॉर्मिंग प्रॉपर्टीज, ब्लीचिंग से जो ग्लूटेन प्रॉपर प्रॉपर्टीज है वो भी इसके अंदर मॉडिफाई हो जाती है। तो इसको ज़रूरत नहीं है अपने डालने के, हम लोग इसको नहीं यूज़ करेंगे इतना बहुत। शुगर है, सुक्रोज इज मोस्ट वाइडली यूज इन स्वीटनिंग एजेंट के तौर पे इसको यूज़ किया जाता है इन केक मेकिंग। फाइनली ग्रैनुलेटेड शुगर इंश्योर इवन ग्रेन एंड सॉफ्ट टेक्सचर इन केक्स। शुगर आर टेंडराइजिंग एक्शन, टेंडराइज का एक्शन होता है मतलब सॉफ्टनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है शुगर, तो कलर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है, माउथ फील भी देती है। और माउथ फील का मतलब है कि जब हम हाई शुगर का शुगर वाली कोई चीज़ को खाते हैं तो हम लोगों को एक मुँह में फील आता है, खरा भरा हुआ मुँह में फील आता है। अगर आप शुगर फ्री कोई चीज़ खाओगे तो वो माउथ फील उसके अंदर नहीं आती। फाइन ग्रेनुलेटेड शुगर यूज़ की जाती है और काफ़ी बार हम केक्स के अंदर पाउडर फॉर्म की शुगर को पाउडर भी यूज़ करते हैं, ठीक है। इट हेल्प्स टू मेंटेन, शुगर हैज स्टैंडर्डाइजिंग एक्शन ऑन फ्लोर प्रोटीन्स एंड मेक केक टेंडर। इट हेल्प्स टू रिटेन मॉइस्चर और इम्प्रूव इट्स सेल्फ लाइफ। द गोल्डन क्रस्ट कलर इज ड्यू टू कैरामलाइजेशन एक्शन होता है शुगर के अंदर, जिसके कारण हमारे जो केक्स के अंदर टेंडराइजिंग ब्राउनिश कलर है, जो गोल्डन क्रस्ट है वो इसके अंदर डेवलप होता है, वो शुगर के कारण, कैरमलाइजेशन के कारण, शुगर की उसके कारण होता है। शॉर्टनिंग्स है और हैव गुड क्रीमिंग एंड फ्लेवरिंग प्रॉपर्टी होनी चाहिए उनकी। फैट्स हैव टेंडराइजिंग एक्शन ऑन फ्लोर प्रोटीन्स एंड दिस मेक द केक टेंडर बाय होल्डिंग एयर। जो हमारे फैट्स हैं, शॉर्टनिंग्स हैं, वो हवा को होल्ड करके रखते हैं जिसके कारण फ्लोर प्रोटीन के ऊपर भी टेंडराइज एक्शन करते हैं, जिसके कारण हमारा जो केक है वो काफ़ी सॉफ्ट बनता है। फ्लफीनेस एयर होती है तो उसके अंदर फ्लफीनेस भी जितना अच्छे से फूलेगा उतना ही ज़्यादा सॉफ्टनेस, स्पंजीनेस उसके अंदर आएगी, ठीक है। उसके अलावा मॉइस्चर रिटेनर के तौर पे भी ये काम करता है और शेल्फ लाइफ है वो इम्प्रूव भी करता है। अच्छा, फैट शुड यूज इन केक मेकिंग शुड बी प्लास्टिक नेचर टाइप ऑफ जो फैट है वो होनी चाहिए, जैसे हमारे डालडा जिसको आप बोल देते हैं, which could incorporate and hold minutes air cell during creaming operations। पापा करते हैं
क्रीमी ऑपरेशन क्या है वो मैं आपको एक वीडियो शेयर करके बताऊंगा, क्रीमी मेथड से कैसे बिस्किट या केक वगैरह बनाते हैं। तो वो अच्छा, उनकी एक कैपेबिलिटी होती है इस एयर को होल्ड करने की। एग्स है, एग्स एंड फ्लो फॉर्म्स नेसेसरी फ्रेमवर्क टू सपोर्ट केक स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए, फ्रेमवर्क को मेंटेन करने के लिए। व्हाट्सएप खोल लिया? वो हाँ, उसमें हुआ है क्या है? ये रहा, ये था लिंक के डिवाइस से स्कैन कर दें। तो एग प्रोवाइड्स मॉइस्चर करता है, और उसके अलावा लेसिथिनो फैग्योक एक्ट एज इमल्सीफायर। लेसिथिन एक इमल्सीफायर के तौर पे यूज़ किया जाता है, और एग योक के अंदर नेचुरल टाइप ऑफ लेसिथिन होता है, तो नेचुरली वैसे इमल्सीफायर भी में मिल जाता है। उसके बाद कलर को भी, ये कलर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, करेक्टरिस्टिक कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा एग योक। एग इम्प्रूव टेस्ट, फ्लेवर एंड न्यूट्रिशनल वैल्यू भी इम्प्रूव करता है। मिल्क है, मिल्क रिचनेस स्ट्रक्चर टू केक, मिल्क प्रोटीन्स बाइंडिंग एक्शन ऑन फ्लोर प्रोटीन और विच क्रिएट्स टफनेस इन केक्स। मिल्क शुगर लैक्टोज इम्प्रूव्स द क्रस्ट कलर, मिल्क शुगर है क्रस्ट कलर को इम्प्रूव करती है, टफ क्रिएट को और फ्लोर प्रोटीन को बाइंडिंग एक्शन, जो फ्लोर प्रोटीन है बाइंडिंग एक्शन ऑन फ्लोर प्रोटीन विच क्रिएट टफनेस इन द केक उसके अंदर देती है। और उसके अलावा मिल्क शुगर है लैक्टोज इम्प्रूव द क्रस्ट कलर को करता है, मॉइस्चर रिटेंशन प्रॉपर्टी ऑफ फ्लोर है। मिल्क सॉलिड्स आल्सो इम्प्रूव द न्यूट्रिटिव वैल्यू। वाटर है, हमें पता है वाटर क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूटन, रिलीज ऑफ CO2 गैस फ्रॉम बेकिंग पाउडर एंड फॉर्मेशन ऑफ वेपर प्रेशर आर मेड पॉसिबल बाय प्रोसेस ऑफ वाटर, क्योंकि वेपर प्रेशर्स हैं वो वाटर की प्रेजेंस के कारण ही पॉसिबल होते हैं। ग्लूटन फॉर्मेशन के लिए वाटर की हमें ज़रूरत होती है। CO2 गैस जब बेकिंग पाउडर वाटर के कॉन्टैक्ट में आता है तो मॉइस्चरनेस उसके अंदर आती है, और मॉइस्चर के साथ वो उसके अंदर रिएक्शन उसके अंदर शुरू होती है और CO2 गैस जनरेट होती है। वाटर रेगुलेट द कंसिस्टेंसी ऑफ, उसके अलावा बैटर है जो हमारा, उसकी कंसिस्टेंसी, उसका वॉल्यूम, उसके टेक्सचर को बनाने के लिए काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होता है वाटर। उसके अलावा साल्ट की अगर हम बात करें, एनहेंस द नेचुरल फ्लेवर, आपका जो नेचुरल फ्लेवर है, अगर आप किसी चीज़ में प्योर ही सभी कुछ सारा कुछ मीठा डालते रहोगे तो उसके अंदर एक स्वीटनेस ज़्यादा आएगी, लेकिन साल्ट है वो एनहेंस करता है नेचुरल फ्लेवर को। उसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ क्रस्ट कलर को, मतलब ज़्यादा डार्कनेस को ना होने देने की कैपेबिलिटी साल्ट में, मतलब क्या है, ये जो कैरामलाइजेश टेम्परेचर है, कैरामलाइजेशन टेम्परेचर शुगर का, उसको लो करता है, ठीक है, जिसके कारण क्रस्ट का कलर है वो डेवलप होता है। और ये साल्ट है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, इसलिए इट आल्सो कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ क्रस्ट कलर, ठीक है। इट मे बी यूज एट रेट ऑफ 0.7 to 1.2% डिपेंडिंग अपॉन द फ्लेवर। बेकिंग पाउडर है, हमें पता है एज ए लिवनिंग एजेंट यूज़ किया जाता है, मॉइस्ट वाटर और हीट के कॉन्टेक्ट में आने से CO2 ये प्रोड्यूस करता है और वॉल्यूम प्रोड्यूस करता है, लिविंग इफेक्ट जिसको हम कहते हैं वो प्रोड्यूस करता है केक के अंदर। फ्लेवरिंग्स आप लोगों को पता है, फ्लेवरिंग्स क्यों यूज़ किए जाते हैं, फ्लेवर्स के लिए, कोकोवा, चॉकलेट, वनीला, इलायची, बहुत तरह के फ्लेवर्स हैं जिनको यूज़ किया जाता है। तो ये कुछ एक इंग्रेडिएंट्स हैं, इनका ओवरव्यू है केक्स के अंदर। और आपने देखा होगा जितने भी आपके इंग्रेडिएंट्स की अगर हम बात करें तो लगभग यही सारे इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए जाते हैं, फ्लोर, शुगर, शॉर्टनिंग। हाँ ठीक है, कि अगर हम बात करें केक्स के अंदर, तो इसके अंदर एग, जो मिल्क, हाई रिच टाइप ऑफ इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर यूज़ किए जाते हैं केक्स के अंदर, और इन्हीं इंग्रेडिएंट्स के हिसाब से, इनकी क्वांटिटी के हिसाब से, प्रिपरेशन मेथड के हिसाब से जो केक्स हैं उनको उनको कैटेगराइज किया जाता है, उनके उनके प्राइस डिसाइड किए जाते हैं, और उनकी अपीयरेंस या क्वालिटी है वो डिपेंड करती है। तो सेकंड टॉपिक में हम करेंगे कि केक्स के बनाने के तरीके और उनके बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे, ठीक है।